हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मातृटेक सॉल्यूशंस का एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है क्वाइन ऑपरेटेड वाटर बेंडिंग कंट्रोल पैनल। ये क्वाइन कंट्रोल पैनल, इसके अंदर QR फीचर भी अभी हमने न्यू में ऐड किया हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक क्वाइन एक्सेप्टर लगा हुआ है, उसके जस्ट नीचे एक बार कोड लगा हुआ है जिससे कि आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका वाटर डिस्पेंस होगा। ये स्मॉल वाटर बूथ के लिए हमने बनाया हुआ है, जैसे कि ग्लास वेंडिंग एंड 1 लीटर का अगर आप कोई बॉटल डिस्पेंस करवाना चाहता है उसके लिए है। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में बना हुआ है, ये पूरा पूरी तरह से इसमें सब कुछ इनबिल्ट है। यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, आप इसको ऐसे घुमाएंगे और ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरनली। यहाँ पे एक क्वाइन ड्रॉप बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर कि आपका क्वाइन गिरेगा, क्वाइन बॉक्स पूरा भर जाए तो आप ऐसे निकाल के इसके अंदर से क्वाइन को निकाल सकते हैं, दोबारा से इसके अंदर ऐसे रख देंगे। और इसमें जो कनेक्शन वगैरह हैं काफ़ी इजी है, यहाँ पे देख सकते हैं एक कनेक्टर बचा हुआ है, इसी जगह पे आपका मोटर लग जाएगा। और ये कंट्रोल कार्ड है, कंट्रोल कार्ड में ही आपका फ्लो सेंसर लगा हुआ है, वो भी कनेक्टर बेस ही है। तो ये बहुत ही इजी है, मैं आपको डिस्पेंस करके दिखा देता हूँ। नॉर्मली इसमें स्क्रीन पे लिखा आएगा इंसर्ट क्वाइन, मैं इसमें 1 रुपये का क्वाइन इंसर्ट करता हूँ। ये 1 रुपीज़ का मैंने क्वाइन लिया और इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे इंसर्ट किया आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट क्वाइन 1, और उसके बाद ये हमारा डिस्पेंस स्टार्ट हो गया। डिस्पेंस स्टार्ट होने के बाद ये हमारा फ्लो सेंसर है, इसी के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो 600 काउंट है उतना काउंट तक पूरा होने के बाद हमारा डिस्पेंस आउट हो जाएगा। तो पानी अभी इसमें हमने वाटर लाइन से नहीं कनेक्ट किया है तो मैं इसमें फूकूंगा। आप यहाँ देखेंगे ये जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे ही 600 ये पहुँचेगा तो ये डिस्पेंस आउट हो जाएगा। कहने का मतलब आपका वो क्वांटिटी फुलफिल हो चुका होगा। आप देख सकते हैं 600 के बाद ये नॉर्मल स्क्रीन पे आ गया, यानी अब आपका वो क्वांटिटी आ चुका है। तो आप क्वाइन से 4 तरह का डिस्पेंस ले सकते हैं, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। इस पे आप अलग अलग क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। दूसरा, इसके अंदर एक हमने नया फीचर इनबिल्ट किया हुआ है जो है आपका QR बेस। QR बेस आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर चल रहा है, लोगों का डिमांड रहता था, उसको देखते हुए हमने नया ये फीचर डेवलप किया है। तो मैं आपको एक डिस्पेंस करके दिखाता हूँ QR से भी। तो मैं अपना फ़ोन पे ऑन करता हूँ, ये मेरा फ़ोन पे है, और मैं फ़ोन पे ओपन करने के बाद जस्ट ये इस QR स्कैन पे क्लिक करूँगा। ये हमने QR स्कैन किया, उसके बाद मैं 1 रुपये का पेमेंट करता हूँ और ये हमने अपना पासवर्ड एंटर किया और ये पेमेंट के लिए प्रोसीड कर दिया। जैसे ही पेमेंट हो गया आप देखेंगे यहाँ पे Insert 1, यानी ये रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद ये हमारा डिस्पेंस स्टार्ट हो गया। फिर से अगेन हम इसके अंदर फ्लो सेंसर में फूकेंगे तो ये जितना क्वांटिटी हमने सेट किया हुआ है वो उतना डिस्पेंस कर जाएगा। इसका सेटिंग भी काफ़ी इजी है, अगर आप इसके अंदर क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज़ करना चाहते हैं, फ्लो सेंसर काउंट वगैरह सेट करना चाहते हैं। इसमें 3 स्विच दिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ये एक स्विच, कीपैड स्विच लगा हुआ है। हम इसको, इसमें ये मेन्यू बटन है, ये मेन्यू है, तो इसको आप चाहें तो ये बाहर भी निकल सकता है, जस्ट इसे हैंग किया गया है। जब आपको स्कैन सेटिंग करना हो तो आप बाहर ऐसे निकाल सकते हैं और उसके बाद उसी के अंदर हैंग कर देंगे। तो मैं इसमें ये मेन्यू बटन प्रेस करता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा, पहले काउंट आ रहा है, यानी फ्लो सेंसर काउंट ₹1, यानी 1 रुपये में कितना काउंट आप सेट करना चाहते हैं तो ये इससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बीच वाले बटन से आपका काउंट इंक्रीज़ होता है और लास्ट वाले बटन से आपका काउंट डिक्रीज़ होता है। तो मैं 600 पे दोबारा से उतना ही सेट कर देता हूँ। ये 2 रुपीज़ के लिए है, सेम आप बीच वाले से इंक्रीज़ कर सकते हैं फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ और
उसके बाद आ गया क्वांटिटी, यानी जो स्क्रीन पे शो करेगा कि आपने 1 रुपीज़ का कॉइन डाला है तो कितना क्वांटिटी डिस्पेंस हो रहा है, तो वो ML में आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लीटर हमने 1 रुपीज़ में सेट किया है, फिर हम दोबारा बटन दबाते हैं, ये 2 रुपीज़ में हमने 2 लीटर सेट किया हुआ है, 5 रुपीज़ में 10 लीटर है, 10 रुपीज़ में 20 लीटर है। आप इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं एज़ पर चॉइस, जितना आप चाहो कर सकते हो। और ऐसे ही ये डिस्पेंसिंग मोड है, तो ये 2 मोड में डिस्पेंस करता है, जैसे फ्लो मोड हो गया और क्वाइन मोड हो गया। इन द केस आपका ये फ्लो सेंसर ख़राब हो जाता है तो आप इसे टाइम मोड में भी डिस्पेंस करवा सकते हैं, यानी आपका जो सोलनॉइड वाल्व या मोटर है वो एक सर्टन टाइम के लिए ऑन होगा, ना कि फ्लो बेस। अभी जैसा कि मैं इसके अंदर फूंक रहा था और वो काउंट बेस था, उस जगह पे क्या होगा, टाइम बेस हो जाएगा, यानी उतनी सेकंड के लिए आपका मोटर या जो भी आप आउटपुट कनेक्ट करेंगे उतनी देर के लिए वो ऑन होगा। तो एक बार हम और प्रेस करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल स्क्रीन पे आ गया, यानी जो भी आपने अभी काउंट सेट किया था वो सारा कुछ सेव हो गया इसके अंदर। इसे दोबारा से यहाँ अंदर उसी जगह पे हैंग कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, तो इस तरह से ये डिस्पेंस करता है। आशा करता हूँ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी था वो हमने आपको दे दिया है। इस तरह का प्रोडक्ट खरीदने के लिए व कोई भी R&D डेवलपमेंट करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर दिए हुए ईमेल पे जाके आप हमें मेल व मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।